20 साल के तवील सफर के बाद तालिबान काबुल तक पहुंच गए। अशरफ गनी के 7 साल इक्तदार खात्मे के करीब अफगान हुकूमत और तालिबान के माबेन काबुल पर हमला न करने का मुआहदा तय पा गया। कायम मकाम अफगान वजीर दाखिला के मुताबिक तालिबान को इक्तदार की मुंतकली के लिए अब्दुल्ला की सालसी में अफगान सदारती महल में मुजाकरात जारी हैं। अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब तालिबान एलामी के मुताबिक वो पुरअमन तौर पर इक्तदार की मुंतकली चाहते हैं। उन्होंने मुखालिफीन के लिए आम माफी का ऐलान किया और अपनी फोर्सेस को हिदायत की है कि क़यादत के हुक्म का इंतजार करें, इजाजत के बगैर काबुल में दाखिल न हों। तालिबान ने बगराम और काबुल की पुलचरखी जेल पर कब्जा करके कैदी रहा करा दिए हैं। इससे कबल जलालाबाद के गवर्नर ने मुजाहमत के बगैर ही दारुल हुकूमत तालिबान के सुपुर्द कर दिया। तालिबान ने गुज़िश्ता शब ही कुनड़, लुगमान, पिक्तिया समेत 34 में से 25 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया था। तोरखम समेत तालिबान ने तमाम सरहदों पर अपने दस्ते तैनात कर दिए हैं। मजार शरीफ पर तालिबान की चढ़ाई के साथ ही जनरल रशीद दोस्तम साथियों के हमरा उज्बेकिस्तान फरार हो गए। उज्बेक बॉर्डर पर पनाह गुजीनों का रश लग गया। हजारों गाड़ियां कतारों में खड़ी हैं, जबकि उज्बेक हुकूमत की जानिब से अब तक पनाह देने का ऐलान नहीं किया गया। उधर अफगान फौजियों की बड़ी तादाद अमरीकी गाड़ियों में सवार होकर ईरान पहुँच गयी, जहाँ ईरानी हुकूमत ने अमरीकी गाड़ियाँ तहवील में ले ली।